सोलन वार्ड नंबर 9 के मनोनीत पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं। यही नहीं, उनके द्वारा चौक बाजार के समीप नगर परिषद की पार्किंग में हुए कार्य को लेकर विजिलेंस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पार्षद का आरोप है कि निर्माण कार्य ठीक नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी उसे कुछ भुगतान कर दिया गया है, जिसमें आज विजिलेंस के अधिकारी कार्य की जाँच करने के लिए पार्किंग स्थल पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्य का मुआयना किया। जो आरोप पार्षद द्वारा लगाए गए हैं, उसके मद्देनजर विजिलेंस की टीम ने नगर परिषद का रिकॉर्ड खंगालना आरंभ कर दिया है। साथ ही मौके पर पहुंचकर साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं। इस जांच में क्या निकलता है, ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन नगर परिषद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा के ही मनोनीत पार्षद की शिकायत से साबित हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मनोनीत पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जब पार्किंग के फर्श को पक्का करवाने का कार्य किया गया, वे कुछ दिनों में ही उखड़ना आरंभ हो गया था, जिसके चलते उन्होंने नगर परिषद हाउस में आग्रह किया था कि इस कार्य को करने वाले ठेकेदार को तब तक भुगतान न किया जाए जब तक कि वे इस कार्य की रिपेयर न कर दे। काफी समय तक नगर परिषद ने उसका भुगतान नहीं किया और न ही ठेकेदार ने उस कार्य की मरम्मत करवाई, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी नगर परिषद ने उसे कुछ राशि का भुगतान कर दिया, जो सरासर गलत है। इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस में की और उनके अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे मांग करते हैं कि जिन भी अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर मना करने के बावजूद भी भुगतान किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि नगर परिषद के कार्यों का विजिलेंस जांच कर रही है। कुछ महीने पहले भी सोलन के विभिन्न पार्कों के निर्माण कार्य को लेकर जांच की गई थी, जिसमें भी कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थी। जी हां, आज विजिलेंस विभाग के कुछ कर्मचारी हमारे नगर परिषद की एक पार्किंग है जो दुर्गा क्लब के नीचे है। पिछले साल जब उसमें कंक्रीट का कार्य हुआ था तो मैंने नगर परिषद के जेई और एसडीओ को उस समय के उन्हें बताया था कि भी ये जो कार्य हुआ है ये बहुत घटिया क्वालिटी का है और इस काम को दोबारा कराया जाए और अन्यथा इसके पैसों को रोका जाए। लेकिन 2 महीने तक मैंने इस बात को महसूस किया कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 4 अक्टूबर 2019 को मैंने नगर परिषद कार्यालय में एक लिखित रूप में शिकायत की थी कि भी इस कार्य को ठीक करवाया जाए और जो संबंधित ठेकेदार है उसको इसकी पेमेंट ना दी जाए जब तक ये इसको ठीक नहीं करता। लेकिन लॉकडाउन के बीच में ना जाने क्या हुआ, अचानक हमें पता चला कि भी इसकी कुछ पेमेंट इन्होंने कर दी है। मैंने जो 25 तारीख को हमारा जनरल हाउस हुआ था, नगर परिषद का नमित पार्षद होने के कारण मैंने इस बात को उस जनरल हाउस में बड़ी गंभीरता से लिया और उसको बोला कि भी ये जो कार्य है यदि आपने पेमेंट भी कर दी है तो कम से कम काम को तो ठीक करवा दो, अन्यथा मैंने कहा इसको मुझे जांच विभाग के पास जाना पड़ेगा। मैंने जनरल हाउस के 15 दिन तक इंतज़ार किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विजिलेंस विभाग को दिया। आज विजिलेंस विभाग के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने मौके पे सर्वे किया और मुझे भी बुलाया तो उन्होंने भी पाया कि गुणवत्ता में कमी है। बाकी ये प्रथम दौर की जांच है, उसके बाद आगे क्या, मेरा ये कहना है कि भी यदि ये बात मेरी ठीक है कि उसको पेमेंट हुई है तो और काम ठीक नहीं हुआ, यदि ये दोनों बातें मेरी ठीक है तो संबंधित अधिकारी, संबंधित नगर परिषद के कर्मचारी जो इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी सोलन की जनता की खून पसीने की कमाई है। हमारे सोलन के लोग जो अपने भवनों का टैक्स देते हैं और सरकार का जो इसमें पैसा जो हमारे विकास के कार्य में आता है उसका दुरुपयोग करना, मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती
कि लिखने के बावजूद भी, आपके ध्यान में डालने के बावजूद भी यदि इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये निंदनीय और दुख, बहुत दुख देने वाला काम है। और मैं ये कहता हूँ, यदि मेरी बात में ये जांच में ये ठीक पाता है तो जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।